हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेनेसिस आईएएस। तो आज इस आर्टिकल में लोकतंत्र के भविष्य पर चर्चा की गई है। हम देखते हैं कि वास्तव में क्या लोकतंत्र अपनी चमक खोता जा रहा है, क्या वास्तव में लोकतंत्र का भविष्य है, या जैसा कि हाल फिलहाल के घटनाक्रम है उससे ऐसा लग रहा है कि शायद दुनिया में लोकतंत्र के कुछ गिने चुने दिन ही बचे हैं। आइए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है। देखिए, इस आर्टिकल में मेनली जो फोकस किया गया है वो ये बात है कि जब 30 ईयर्स बैक हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन का फॉल होता है और उसके बाद चाइना में एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट उसी समय होता है, तियनमन स्क्वायर में या सेंट्रल स्क्वायर में। उस सेंट्रल स्क्वायर के प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी के लिए चाइना में था, जिसको चाइना ने अपने टैंक्स और अपनी पावर से दबा दिया। इसी समय हम देखते हैं बोरिस एल्सिन जैसे लोग, जो कि सोवियत यूनियन के कम्युनिज्म मॉडल की आलोचना करते थे, वो लोग रूस पे अपना अधिकार करते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। तो इन अ वे कम्युनिज्म डेमोक्रेसी के सामने झुकता हुआ नज़र आता है चारों तरफ। यूरोप भी उस समय ईस्ट का, यानी जो भारत चीन और अन्य एशियाई देश हैं, उनका स्वागत करता सा दिखता है, उनसे बातचीत करना, उनसे कोऑपरेशन बढ़ाना। तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया में लोकतंत्र या अमेरिकी प्रभुत्व का कोई शानी नहीं है, कोई सीरियस थ्रेट नहीं है। तो ऐसे में दुनिया बड़ी स्मूथली अमेरिका के अधीन उनको लगता था कि चल रही है, लेकिन हिस्ट्री के प्लान्स, इतिहास अपने खजाने में बहुत ही जटिल चीज़ें रखता है। और आज 3 दशकों के बाद आप देखें तो दुनिया में बहुत कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादातर जो लिबरल डेमोक्रेसीज थी वो तनाव में है। अमेरिका में ट्रंप के अधीन खुद डेमोक्रेसी तनाव में है, इतना ज़्यादा विरोधाभास है, इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं। यूरोपियन यूनियन में आप देखेंगे तो फ्रांस, इटली, मैक्सिको आदि, फ्रांस इटली जैसे देश विरोध कर रहे हैं। उधर मैक्सिको और पाकिस्तान, ब्राज़ील जैसे देशों में भी डेमोक्रेसी तनाव में है। इस तरह देखिए, ओवरऑल डेमोक्रेसी एक तनाव की स्थिति में दिख रही है। अधिकतर देशों में ऐसा लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल कॉमन ग्राउंड नहीं बचा है जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज सहमत होकर कार्य कर सके। एक संगठन है, एडवोकेसी ग्रुप है, फ्रीडम हाउस नाम का, उसने एक सर्वे किया। उस सर्वे में पाया कि जो डेमोक्रेसीज हैं उनके अंदर पब्लिक ट्रस्ट इस समय काफ़ी लो हो चुका है, काफ़ी जनता का विश्वास अपने लोकतंत्र में गिरता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन में देखें तो इटली, पोलैंड, हंगरी जैसे देश उसके खिलाफ है, ब्रिटेन ब्रेग्जिट करके उससे निकलने की सोच रहा है। वहीं हम कम्युनिस्ट और सेंट्रलाइज्ड पावर वाले डिस्पॉट्स को देखें, तानाशाहों को देखें तो वहाँ हम देखते हैं कि सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है। जैसे हम चाइना को लें तो शी जिनपिंग माओ जेदोंग के बाद सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने लिए जनता की निष्ठा को केंद्रीकृत किया है, वरन चाइना की जो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक मॉडल है उसके पक्ष में भी काफ़ी समर्थन जुटाया है। और आज दुनिया के कई सारे देशों और सिटीजन्स को ऐसा लग रहा है कि चाइना सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी का मिला जुला दुनिया का सर्वोत्तम देश है। वहीं अमेरिका उनको एक डिसफंक्शनल और पब्लिक डिस्कस्ट से भरा देश लग रहा है। तो इस तरह देखिए तो आज लग रहा है कि डेमोक्रेसी पूरी तरह से खतरे में है। अब जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनकी संस्थाओं की फंक्शनिंग पे देखें, हम देखें कि 2007-08 में जब मंदी आई तो डेमोक्रेसी तनाव में आई। हालांकि अभी वहाँ की जो संस्थाएँ हैं उन्होंने बहुत ही अधिक प्रभावी ढंग से अपने लोकतंत्र को बचाने और किसी प्रकार के तानाशाही प्रभाव को रोकने की क्षमता दिखाई। जैसे हम देखें यूनाइटेड स्टेट्स को, वहाँ ट्रंप तानाशाही तरीके से बहुत कुछ करना चाह रहे थे, वॉल बनाना चाह रहे थे, मुस्लिम कंट्रीज़ के लोगों को आने से रोकना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ के अपोजिशन, जुडिशरी और अन्य संस्थाओं ने उनके इन कार्यों का विरोध किया और कई कार्यों को सफलतापूर्वक रोका भी। इसी तरह ब्रिटेन जो ब्रेग्जिट करना चाह रहा था उसको भी वहाँ की संसद ने रिजेक्ट किया और हालत ये है कि अब नो डील ब्रेग्जिट की स्थिति पहुँच गई है। इतना ही नहीं, जो कई सारी यंगर डेमोक्रेसीज है, तुर्की है, पोलैंड है, हंगरी है, वहाँ भी ब्यूरोक्रेसी, कोर्ट, जर्नलिस्ट ने डेमोक्रेसी के बचाने के लिए कंसिडरेबल वर्क किया है।
यहाँ तक कि जो ग्रीस है, यूनान, हम देखें कि सॉवरेन डेट क्राइसिस में वो फंस चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रीस ने जिस तरह अपने आप को बाहर दिखाया, वो दर्शा रहा है कि लोकतंत्र मेच्योर हुआ है और उसके अंदर अनरेस्ट, खराब आर्थिक स्थिति को झेलने की व्यापक क्षमता आ गई है। लेकिन फिर भी ये सारा होल स्टोरी नहीं है, पूरी कहानी नहीं है। हमें लोकतंत्र के भविष्य के बारे में जानने के लिए एक चीज़ और ध्यान देना होगा, वो चीज़ है तकनीकी, यानी तकनीकी का लोकतंत्र पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इनफैक्ट हम देखें जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के कारण जो सरकारें हैं वो बहुत ही ज़्यादा जनता पे कंट्रोल कर पा रही हैं। जनता के फेस रिकग्निशन टेक्निक है और बाकी टेक्निक है जिसके जरिए किसी भी प्रकार के अनरेस्ट को होने से पहले ही रोका जा रहा है। इसके कारण डेमोक्रेसीज कहीं ना कहीं दब रही हैं। जैसे सिंजियांग प्रांत चाइना का है, वहाँ काफ़ी अनरेस्ट है, लेकिन चाइना ने, आप देखते होंगे, एक फेस रिकग्निशन की इतनी पावरफुल टेक्निक अपना ली है कि जनता का कोई भी व्यक्ति यदि पब्लिक प्लेस पे कुछ भी कर रहा है तो उसको रिकग्नाइज करके पहचान लेती है कि इस कार्य को ये व्यक्ति कर रहा है। इससे किसी भी प्रकार के अनरेस्ट को तुरंत रोक लेती है और पावर का सेंट्रलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये जो बिग डेटा का ज़माना है, वो बिग डेटा कहीं ना कहीं डेमोक्रेसीज को चेक कर रहा है। लोगों के सारे आंकड़े सरकारों के पास है और उन आंकड़ों का प्रयोग करके जनता को मैनिपुलेट किया जा रहा है। जैसे कि अभी कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला हम देखें तो कैम्ब्रिज एनालिटिका में लोकतांत्रिक चुनाव को ही मैनिपुलेट कर दिया गया था। तो इन सारे कारणों से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी खतरे में नज़र आ रही है। हालांकि जो यान ब्रेमर है, ये यूरेशियाई ग्रुप के एक थिंक टैंक से आते हैं, तो इनका कहना है कि डेमोक्रेसी लाइक टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स, यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है उसी तरह डेमोक्रेसी भी इवॉल्व करती है। आज निसंदेह टेक्नोलॉजी का सहारा लेके जो ऑटोक्रेट्स हैं, वो ऑटोक्रेट्स डेमोक्रेसी को दबा रहे हैं, डेस्पोटिज्म बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आने वाले वर्षों में अथॉरिटेरियन ये रूल जो है वो कितने दिनों तक चलेगा और डेमोक्रेसी किस रूप में वापस आएगी और जनता के बीच अपनी पैठ बनाएगी। तो ओके दोस्तों, आई होप कि डेमोक्रेसी पे लिखने के लिए एक अच्छा मैटर है। यू कैन यूटिलाइज दिस मैटर फॉर योर आंसर्स। ओके, थैंक यू।